नोबेल टाइम्स की टीम आ पहुंची है सदर प्रखंड के पथरा रिंग बांध पर, और पथरा का ये रिंग बांध है। यहाँ पर देखेंगे कि जो गंडा का जो डिस्चार्ज लेवल है अभी 4.5 लाख क्वेश्चन पानी जो है मैक्सिमम पानी का जो बहाव है यहाँ से हो रहा है, और उसको लेकर के तटबंधों पर लगातार दबाव बना हुआ है। और यहाँ देखेंगे जो कुछ स्टड बनाए गए हैं जो गंडक की धारा को मोड़ने के लिए ये बनाया गया, ताकि तटबंधों पर जो गंडक का जो डायरेक्ट हीट ना हो, इसके वजह से बांध जो सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर कुछ स्टड हैं वो डैमेज हुए हैं, और प्रिवेंटिव के तौर पर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो नलन कैरेटिंग है वो किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो मजदूर लगाए गए हैं, दिन रात काम चल रहा है, और लगातार जो गंडक की जो धारा है, बताया जा रहा है कि जो 4.5 लाख क्यूसेक का जो पानी है उस स्टड से वजह से जो धारा है वो बीच नदी में जो गंडक का जो ये फ्लो है वो हो रहा है, यानी कि तटबंधों के तब नहीं है फ्लो। तो ये एक अच्छी और सुखद खबर है कि यहाँ के तटबंध अभी सुरक्षित हैं, और खुद यहाँ पर जो मॉनिटरिंग है अधिकारी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो SDO हैं जेई हैं वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों की टीम को निर्देश किया गया है, और DM और SP देर रात आकर के यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए, और यहाँ पर बाढ़ की स्थिति ना हो उसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर जो SDE हैं उनसे हम बात करते हैं, जाने का प्रयास करते हैं। सर अभी जो पानी का जो डिस्चार्ज है वो कितना चल रहा है और अभी क्या स्थिति है? यहाँ से जो पानी अभी चल रहा है वो पीक डिस्चार्ज चल रहा है, 4.45 लाख जो कल छोड़ा गया था वो 24 आवर्स लगते हैं आने में, तो वो अभी चल रहा है यहाँ पे। और उस पानी में के डिस्चार्ज में थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं होनी थी, तो वो अभी हम लोग स्टोर करा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो गंडा का जो धारा है वो जो तटबंध की तरफ था अभी वो मुड़ा है वो? हाँ, वो जो पहले, क्योंकि जब डिस्चार्ज बढ़ता है पानी खूब आता है तो फिर वाटर वेज चौड़ा हो जाता है। वाटर वेज चौड़ा होने की वजह से ये होता है कि रिवर थोड़ी शिफ्ट हो जाती है अदर साइड में, तो अदर साइड मतलब स्टार्ट्स की दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो उससे हमें फ़ायदा हो, बेनिफिट मिल जाता है। अगर यही अगर जो फ्लो होता वो स्टार्ट्स की तरफ टर्बाइन की तरफ होता तो वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता, लेकिन वैसे अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल साइड बिल्कुल सेफ है। तो अभी जो वाटर लेवल जब कम होगा जी, और जब तटबंधों पर कटाव होगा, उसके लिए क्या किया गया तैयारी? उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग लेंगे, जैसे कि वाटर लेवल कम होगा तो वो क्या होता है, कटाव की सिचुएशन आती है तो उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जैसे कि AC बैग्स वगैरह आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, वीकर पॉइंट्स वहाँ पर आपको AC बैग्स वगैरह उसको पहले से ही रखना पड़ता है, और कुछ जियो बैग्स वगैरह भी रखना पड़ता है। वो सारे मेजर्स हमने ले लिए और बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मतलब अभी आपको बांध पूरी तरह सुरक्षित, कितना कैपेसिटी बांध को सहने की जो है? 6.5 लाख क्यूसेक तक पानी बांध सह सकता है, और अभी तो उससे 2 लाख क्यूसेक कम ही आया, तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो ये SDE हैं उसामा वारसी, और कहना है कि अभी गोपालगंज में फ्लड का कोई सिचुएशन नहीं है और कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी जो 4.5 लाख क्यूसेक पानी का जो बहाव है वो अब नदी मुख धारा में वापस चली गई है, और इस बांध की जो कैपेसिटी है वो 6 लाख जो है 6 लाख क्यूसेक पानी के जो इसको सहने की कैपेसिटी है। इस तरह से गोपालगंज में बाढ़ का जो स्थिति है उससे अब लोगों को लगता है कि निजात मिल पाएगी, मतलब मिल रही है, और लोगों को बाढ़ से अब दो चार नहीं होना पड़ेगा। मुकेश कुमार, NBT, गोपालगंज।